नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। बाहरी जिला की राजपाल थाना पुलिस ने लूट की वारदात को सुलझाते हुए दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट के मोबाइल फोन और 4,200 रुपए नकद के साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए दो चाकू बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान हरीश और राहुल उर्फ गड्ढा के रूप में हुई है। दोनों सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में शामिल एक आरोपी सुल्तानपुरी थाने का बैड कैरेक्टर भी है। DCP हरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक गुरुवार को पीड़ित मोहम्मद मुस्ताक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह काम के सिलसिले से सुल्तानपुर माजरा की एक फैक्ट्री में गया था। इसके बाद वह बैटरी रिक्शा से वापस आ रहा था, जिसमें दो अन्य व्यक्ति भी बैठे थे। ई रिक्शा जैसे ही मंगोलपुरी पेट्रोल पंप पहुंची, बैटरी रिक्शा में मौजूद दोनों व्यक्तियों ने चाकू निकाल लिया और एक व्यक्ति ने पीड़ित के पेट पर लगा दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने बैटरी रिक्शा चालक पर चाकू रख दिया। आरोपियों ने इस दौरान दोनों से 16,000 रुपए नकद मोबाइल फोन लूट कर मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज पार्क SHO की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल दानवीर, हेड कांस्टेबल कपिल, कांस्टेबल योगेश और अमित को शामिल किया गया। टीम ने जांच शुरू की और अपने लोकल इनपुट को एक्टिव किया। इसके बाद टीम ने आसपास लगे कई CCTV कैमरों का विश्लेषण किया और टेक्निकल सर्विलांस का भी सहारा लिया। टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर दो आरोपी हरीश और राहुल की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।